अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको डिजिटल वीडियो कैमरा, ये वाईफाई वाला है, इसके मतलब बताऊंगा। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम इसको अपने मोबाइल के साथ अटैच कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैमरा है, वाईफाई कैमरा, ये इसकी 12 वोल्ट कनेक्टर, ये रीसेट कनेक्टर इसका, और ये RJ45 इसको DVR के साथ अटैच करने के लिए। अगर हम इसको DVR के अलावा यूज़ करना चाहते हैं तो इसको हम मोबाइल के साथ अटैच करेंगे। ये नीचे इसकी मेमोरी कार्ड डालने के लिए ये इसका ये ऑप्शन बनी है, इसके अंदर हम मेमोरी कार्ड वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाला हमारा नया वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों ये 12 वोल्ट सप्लाई है, तो इसकी मदद से हम इसको करंट देंगे। ये इसी के साथ लगा दिया, ठीक है दोस्तों। इसको चेक करने के लिए कि करंट आ रहा है नहीं, ये इसका सेंसर नाइट विजन, इसके ऊपर हम हाथ रखेंगे तो ये इसका सेंसर ऑन होगा, इसका मतलब कि इसमें करंट आ रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम इसको मोबाइल के साथ अटैच करेंगे। तो दोस्तों ये इसका नंबर है और इसका यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड ही एडमिन है। ये QR कोड इसको मोबाइल के साथ स्कैन करेंगे तो इसका सॉफ्टवेयर हमारे मोबाइल में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने अपने मोबाइल की ना ये वाईफाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ अपना कैमरा शो हो रहा है कि नहीं। ये मेरा कैमरा शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये कनेक्ट हो गया, इसके बाद हम वापस जाएंगे। तो अगर हमने QR कोड की मदद से करना है तो ये QR कोड इसको ओपन करेंगे और डब्बे के ना एक साइड पे बना है इसका QR कोड, ये इसको स्कैन करेंगे या फिर प्ले स्टोर में जाके ना ये इसके ऊपर लिखा है V380, ये प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों ये सही तरह स्कैन नहीं हो रहा, कोई लाइट वगैरह का प्रॉब्लम है, तो मैं प्ले स्टोर में जाके V380 सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेता हूँ। ये प्ले स्टोर में चले गए, यहाँ लिखेंगे V380, ये जो भी आपके पास कैमरा है इसका मॉडल के मुताबिक सॉफ्टवेयर होता है। जो मेरे पास है इसका सॉफ्टवेयर V380, इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, ये मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं दोबारा इसलिए आपको चेक करा रहा हूँ कि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। तो इस तरह आपने करना है कि अभी नेट तो मेरा फ़िलहाल सही तरह चल नहीं रहा है, स्लो है, तो मैं आपको चेक कराता हूँ क्योंकि मैंने तो इंस्टॉल किया हुआ है ये इसको। ये भी 380 का लिखेंगे, इसको डाउनलोड करना है फिर इंस्टॉल कर लेना है। तो ये सॉफ्टवेयर इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह सामने आ जाएगा, ये लोकल लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये पहले जो किया हुआ इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले भी इसको अपने मोबाइल के साथ अटैच किया हुआ था। दोस्तों सबसे पहले हम ये प्लस का जो निशान है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो
ये सबसे ऊपर लिखा है न्यू डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये हमारे जो डिवाइस है ये शो होगी, ये वाईफाई जो ये कैमरा ये शो हो जाएगा। हम बैक जाएंगे तो सर्च सर्च फॉर डिवाइस, इसके ऊपर क्लिक किया ये हमारा शो हो गया, बता रहा है कि ऑनलाइन है ये। प्ले पे क्लिक करेंगे तो ये सिक्योरिटी कह रहा है कि पासवर्ड इसके पासवर्ड लगाएं, इसका पासवर्ड लगाएं, चेक करेंगे तो ये कह रहा है कि न्यू पासवर्ड यहाँ कोई भी अपनी मर्ज़ी के साथ लगा लें, हम यही एडमिन ही लगा लेते हैं, एडमिन 1 2 3 4। कन्फर्म पासवर्ड कह रहा है, पहले वाला पासवर्ड ही एडमिन 1 2 3 4, ये हम कन्फर्म करेंगे अब। तो दोस्तों ये कह रहा है कि पासवर्ड कन्फर्म सक्सेसफुल हो गया, अब प्ले करके चेक करते हैं। तो ये प्ले किया तो दोस्तों ये देखो ये बिल्कुल सारा शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह हम इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। ये तो इसका अपना जो वाईफाई जिसके इसकी जो रेंज है रेंज के अंदर ही हम चेक कर सकते हैं ना। तो अगले वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।